कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने शुक्रवार को सांगोद थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां सांगोद थाना परिसर में सांगोद थाने के पुलिसकर्मियों की बैठक लेते हुए कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। इसके बाद सांगोद थाने के सीएलजी एवं सोहार समिति सदस्यों की बैठक ली। बैठक में सीएलजी सदस्यों द्वारा क्षेत्र के युवाओं में फैल रहे नशे की लत को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस को प्रभावी रूप से इस ओर ध्यान देने के लिए कहा, जिस पर ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने कहा कि पुलिस ऐसे मामलों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और साथ ही लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि कहीं भी ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो पुलिस को तत्काल सूचित करें, उस पर पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। इसके बाद जनसुनवाई की गई जिसमें कई परिवादियों ने एसपी को अपनी शिकायतें दी, जिसकी सुनवाई करते हुए एसपी ने थाना अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए। एसएच जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें जनता का तो सेटिस्फेक्शन है, लेकिन यहाँ पे कुछ समस्या है, जो ड्रग्स का समस्या है या छोटा मोटा चोरी होता है तो उस पर भी हम कार्य योजना बना के उस पर काम करेंगे। अभी ये सर्दी का समय आने वाला है, वहाँ पे भी चोरी का एक आशंका बना रहता है, तो उस पर भी हमारा कार्य योजना बन रहा है जिसमें हम कैमरे लगवाना, लाइट लगवाना या एक स्ट्रक्चर वे में गश्त करवाना, तो उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, लगातार सांगोद में शिकायत आ देंगे नशा की, जो युवाओं में लत है वो बढ़ती जा रही है, तो और पुलिस कार्रवाई उस पर उदासीन बताते हैं लोग, तो उस पर कुछ ऐसा नहीं है जो उदासीन है। रेगुलरली जो ड्रग्स के पे कार्रवाई किया जा रहा है, जो लास्ट ईयर जितना कार्रवाई था NDPS में उतना अभी भी जो इस साल जो प्रकरण दर्ज हुए उतना बराबर है। जो पीने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी रेगुलरली कार्रवाई किया जा रहा है। ये एक सोशल प्रॉब्लम है जिसमें पुलिस का रिस्पांस है, लेकिन और भी एजेंसी का रिस्पांस होना ज़रूरी है, तो उस पर भी हम और एजेंसी से भी कोऑर्डिनेट करिए, उस पर कार्रवाई करवाएंगे। पुलिस की तरफ से लोगों के लिए क्या संदेश? पुलिस के तरफ से संदेश यही है, जो आप भी कोऑपरेट करते रहिए, छोटा छोटा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है यदि लोग देंगे पुलिस के लिए, इंफॉर्मेशन देना या फिर हम जो हमारी ये अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप है, CLG ग्रुप है या सुरक्षा सखी ग्रुप है या हमारे पास और भी जो ग्रुप है, ये थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन देंगे, अपने महीने के एक दिन भी देंगे तो पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगा। और जो लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है, जो आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, जो इलीगल काम है, जो आप जो बदमाश हैं उनके खिलाफ पुलिस रेगुलरली कार्रवाई करेगी। सर, लोगों का कहना है कि पुलिस को इन्फॉर्म तो किया जाता है लेकिन उस पर कार्रवाई उस प्रकार से नहीं हो पाती। देखिए, आपको पहले भी हमने एक प्रेस नोट दिया था जिसमें CUG नंबर SP ऑफिस का दिया है, तो उस पर यदि किसी को किसी तरह का कोई भी समस्या है तो उस पर वो मैसेज कर सकते हैं और उस पर 100% कार्रवाई होगा। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।